Assalamualaikum, welcome to my new vlog. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, बारिश एंजॉय कर रहे होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, खाना पीना एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग होगा एक रेस्टोरेंट के हवाले से, कराची का एक बर्गर आउटलेट के हवाले से। तो आज मुझे इनवाइट किया है बर्गर क्लॉक ने सिंधी मुस्लिम ब्रांच पे, वहाँ मुझे जाना है और उनकी कोई डील्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर उनका कैसा टेस्ट है, क्या प्राइसेज हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी हो जाते हैं जल्दी से तैयार और उसके बाद फिर हम निकलते हैं बर्गर क्लॉक के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम चलते हैं बर्गर क्लॉक। ये पीछे है मेरा किचन जो अभी बन रहा है और आई नो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ हुआ है मेरा घर, बट मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स मैं दूंगी कि मैंने ये किचन किससे बनवाया, इसमें मेरी कितनी कॉस्ट लगी और कौन से मटेरियल जो है वो यूज़ हुए हैं इस किचन को बनवाने में। सो या ले चलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दिया है 3 से 7 बजे के टाइमिंग्स और अभी हो रहे हैं 5:15, तो हम ऑलरेडी थोड़े लेट हो गए हैं, तो भागो। तो अब हम चल रहे हैं, हम बाहर आ गए और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही है। फर अब हम घर से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बर्गर क्लॉक की तरफ। और इससे पहले मैं बाइक पे बैठी थी और सफोरा तक गई और बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, तो हम वापस घर आए, फिर हम गाड़ी में बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं क्योंकि ऐसे मौसम में बाइक को अवॉइड करें, उसके स्लिप होने का बहुत डर रहता है, इसलिए हम भी वापस आए और वापस अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। तुम्हें पता है अभी मौसम कैसा हो रहा है, कहाँ जाने वाला हो रहा है? नहीं अभी मौसम हो रहा है सी व्यू जाने वाला। नहीं तो हम क्या सी व्यू भी जा सकते हैं? नहीं यार मतलब हद हो गई। बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? हाँ। आए भूखे राजा बर्गर क्लॉक खोल दरवाजा। और अब हम जल्दी से मेन्यू देखते हैं और अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है। भूख लग रही है? बहुत लग रही है, हमें तो हर वक्त ही लगती है जी। तो आप हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम इसमें प्रीमियम बर्गर होंगे हमारे, ये हमारे सिग्नेचर बर्गर भी है, ठीक है मैम। इसमें मैसी मीट ओनली बीफ होगा ही और क्रंच भी। जो है बर्गर क्लॉक की दो डील्स जो हैं चल रही हैं, शेयर बॉक्स 1 और शेयर बॉक्स 2 के नाम से, जिसमें से एक में है वैल्यू बर्गर, दो वैल्यू बर्गर हैं, एक एपेटाइज़र का है और एक प्राइज है, 3 डिप्स हैं और 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसकी प्राइस है 1600 रुपये। और जो दूसरी शेयर बॉक्स 2 है उसमें सब कुछ सेम है सिवाय बर्गर्स के, उसमें हम 2 प्रीमियम बर्गर्स जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी प्राइस है 1900 रुपये। और मैंने शेयर बॉक्स 2 ऑर्डर किया है। बॉक्स पैक करवा लिया था अपना, और अच्छी बात यह है कि वो बॉक्स है कि आप जब जितना खाओ और उसके बाद बच जाए तो उसको उसी बॉक्स में पैक करके आप घर ले जाओ, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? तेरा हुस्न है यार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न है यार जैसे शेर का शिकार, भूखा बार 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 तेरा प्यार 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 ले मुझसे आई आवार की है आई करेंगे मुझे जान देगा वो, लेकिन मेरी जान लेगा वो, तेरा
ज्यादा लाउड था तो मैंने रिव्यू नहीं दिया वहाँ पे. मुझे जो बीफ बर्गर था वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो इस वजह से क्योंकि वो काफी ज्यादा फेयर था, उसका जो जायका था वो मुझे काफी अच्छा लगा. उसका मीट काफी टेंडर था, थोड़ा हल्के. अपनी वॉइस थोड़ी कम करो, नीचे लाओ. जो चिकन फ्रेंचोज बर्गर था उसको मैं रेट करूंगी 7 out of 10, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सूखा हुआ लगा. उसका जायका अच्छा था मगर उसका जो चिकन था वो काफ़ी ड्राई हो रहा था. मोज़रेला स्टिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन वो पिक्चर्स लेते देखते जो है ना ठंडी हो गई थी. अब मैं घर जा रही हूँ, उसको गर्म करके फुल ऑन चीज के साथ खाऊंगी. और चिप्स तो थे ही मज़ेदार. तो ओवरऑल मुझे ये जो डील बॉक्स है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगड़ी में बकरे की पोटी में जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे दिल जो ये दिल जो. अब आएंगे सज्जाद अली साहब हमारे ऊपर. तो ओवरऑल मुझे ये डील हड़दल मुझे नेवर माइंड. तो मैं आ गई हूँ घर और अब करते हैं व्लॉग को एंड. और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. और मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ एक नए व्लॉग में. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम कहीं बाहर आए हुए और हमसे कोई जानने वाला टकरा जाए या हम किसी को देखें, किसी को डेट मारते हुए पकड़ें और हम उसे ब्लैकमेल करें और उससे हम फिर बहुत सारे पैसे निकलवाएं. तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, ये ड्रामों में क्यों होता है? तुम जिनको जानती हो ना वो सब गरीब हैं. जी नहीं.